बहुत स्वागत है आप सभी का R9 टीवी में और वक्त है दिन की सबसे बड़ी बहस का। मैं हूं जब्बार खान। 48 घंटे, जी हां, अगले 48 घंटों के बाद में वो घड़ी आ जाएगी जब सबसे ज्यादा पुराने विवादित मामले को लेकर के देश की सबसे बड़ी अदालत में फैसला लिखने की शुरुआत की तैयारी होने लगेगी। यानी कि आज जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में पूरी हुई है उसके बाद में महज 2 दिन बचते हैं, जब 2 दिनों के भीतर अपनी दलीलें और उस पर जवाब और सवाल के बाद में हमेशा के लिए ये खत्म हो जाएगा सुनवाई का दौर, और फिर वो वक्त आएगा जब फैसला लिखे जाने की कवायद की शुरुआत होगी। मगर हर तरफ सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर आज से अगले 1 महीने तक लगी हुई रहेंगी कि 1 महीने के बाद में सुप्रीम कोर्ट फैसला क्या देगा। क्या अयोध्या विवाद हमेशा के लिए सुलझ जाएगा या फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में संसद को इसमें कुछ हस्तक्षेप करने की जरूरत महसूस होगी। अलग अलग नजरिए से, अलग अलग तौर तरीकों से, अलग अलग अंदाज में तीनों पक्षों ने अयोध्या विवाद पर अपनी अपनी दलीलें रखी हैं। 2 दिनों में ये सारी चीजें पूरी भी हो जाएंगी। मगर आज मुस्लिम पक्षकार राजीव धवन की तरफ से यह कहा गया कि साहब हमें कम वक्त मिला है, हमें जवाब देना था, कुछ और तथ्य रखने थे, लेकिन उसके लिए वक्त और कम ही से बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि 5 दिसंबर 1992 के वक्त में वो जो ढांचा, वो मस्जिद थी, उसको उसी स्थिति में, उसी हालत में हमें मिलना चाहिए। मगर हिंदू पक्षकारों की अपनी दलीलें हैं कि वो राम, भगवान राम की जन्मस्थली है, उसको बदला नहीं जा सकता, और जैसा कि ASI की रिपोर्ट के हवाले से बातें कही गई और फिर सुप्रीम कोर्ट में सारे तथ्य रखे गए। मगर अगले 48 घंटों के बाद में जिस फैसले लिखे जाने की कवायद की तैयारी शुरू हो जाएगी उसको लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। और अब तक इस पूरे मामले को लेकर के इतना विवाद क्यों रहा, इस मामले को लेकर के इतने ज्यादा दंगे, फसाद, आपसी रंजिश क्यों बढ़ी, इन तमाम चीजों पर भी चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि VP सिंह से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी तक में या इस दौर में जो मध्यस्थता की कवायद की गई आखिर वो नाकाम साबित क्यों हुई। चर्चा की शुरुआत करें, अपने खास मेहमानों की तरफ रुख करूं, का तारुफ आपसे कराऊं, उससे पहले आइए निगाह डालते हैं इस रिपोर्ट पर। अब सिर्फ 72 घंटे बचे हैं जब सर्वोच्च अदालत राम मंदिर, बाबरी मस्जिद पक्षकार की आखिरी दलील सुनेगा। क्या होगा, फैसला किसके हक में जाएगा, दोनों पक्ष अपने दावों पर टिके। डेडलाइन दी गई है 17 अक्टूबर के लिए, मुस्लिम पक्ष का आज कंक्लूजन के लिए डेट है, उसके बाद अपना हिंदू पक्ष अपना देगा, उसके बाद जजमेंट के लिए मुकर्रर हो जाएगी डेट। उधर फैसले की तारीख करीब आने के साथ ही VSP ने विवादित जगह पर दीपोत्सव मनाने की मांग की तो मुस्लिम पक्ष नमाज पढ़ने की बात कहने लगा। ये इनिशिएटिव कि वहाँ पे दीपोत्सव हो, ये इनिशिएटिव अयोध्या के संतों का था। जब सारा विश्व जगमगा रहा हो तो रामलला के पास भी दीपोत्सव हो। मैं समझता हूँ कि संतों की इस इच्छा का सम्मान किया जाना चाहिए, और संभव हुआ तो कुछ पक्षकार इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेने का प्रयत्न करेंगे तो अच्छा होगा। हम लोग भी सोचेंगे, कुछ और भी हम भी सोचेंगे कि वह उनसे मांगेंगे, तुमने दीप जलाने दिया तो मुझे नमाज पढ़ने की इजाज़त दी जाए, तो मैं भी कहूँगा उनसे, इसमें क्या रहा है। फैसले के आखिरी चरण के चलते अयोध्या में धारा 144 लगा दी गई है। प्रशासन किसी भी हालत से निपटने के लिए तैयार हो रहा है। उधर तारीख करीब आने के साथ ही BJP से राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने मंदिर की पूरी उम्मीद भी जताई। एक बात सुनिश्चित है, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनेगा, इस बात की अनुभूति मुस्लिम समाज के भी एक बड़े वर्ग को हो रहा है। वो अनेक अलग अलग कारणों से मंदिर के समर्थन में जमीन देने की बात कह रहे हैं। सुप्रीम फैसले से पहले ही BJP उम्मीद जता रही तो कांग्रेस अयोध्या केस में पूरी तरह बैकफुट पर नजर आ रही, और कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले पर कुछ भी बोलने से बचती हुई नजर आई। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला आएगा न सिर्फ ये अयोध्या में बल्कि पूरे मुल्क में शांति बनी रहेगी। इस देश के लोग कानून की इज्जत करते हैं। बहरहाल कोर्ट के फैसले में अभी भी वक्त है,
दोनों पक्ष अपनी अपनी मांगों पर अड़े हैं और अयोध्या को एक अभेद्य दुर्ग में बदला जा रहा है। 17 अक्टूबर को क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन उससे पहले देश के सबसे बड़े कोर्ट केस ने सभी का ध्यान एक बार फिर एक ही शहर अयोध्या की तरफ केंद्रित कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट R9 TV। और आपके सामने रखते हैं R9 TV के वो सवाल जिसके इर्द गिर्द हम आज इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। क्या 3 दिनों में आ जाएगा आखिरी फैसले का वो मरहला जब ये सारी दलीलें पूरी हो जाएंगी? क्या 17 तारीख तक पूरी हो पाएंगी सुनवाई? क्या सभी पक्ष फैसले के बाद में एकमत होंगे? महत्वपूर्ण सवाल ये, क्या अयोध्या में कुछ बड़ा होने वाला है? फैसले के पहले धारा 144 लगाने के मायने क्या है? और रुख सीधे चर्चा की तरफ। हमारे साथ में कई खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे कराते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता शिवम त्यागी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं नोएडा स्टूडियो में। स्वागत है सर आपका। साथ में है एक मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, जो कि बताएंगे कि आखिर इस मामले को लेकर के इतनी ज्यादा राजनीति क्यों हुई, उसका परिपेक्ष क्या कुछ रहा। स्वागत है आपका भी। साथ में है हिंदू धर्म गुरु यतिमा चेतना नंद सरस्वती जी, जो कि बताएंगे कि क्या महत्व है इस जगह का और इस जगह के इतिहास का और उससे सेंटिमेंट कितना जुड़ा हुआ है और क्यों वहां पर राम मंदिर ही सिर्फ बनने चाहिए। साथ में हमारे साथ में अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के अश्विनी कुमार दुबे जी हैं, जो इस पूरे मामले की लीगैलिटीज और उसके प्रोसेस के बारे में जानकारी देंगे विस्तार से। शुरुआत में चर्चा के आपसे ही करना चाहता हूं शिवम त्यागी जी, आज अब फैसला आने का जो काउंटडाउन था, आखिरी और फाइनल काउंटडाउन चल रहा है, यानी कि 3 दिनों के बाद में अब फैसला लिखे जाने की कवायद की शुरुआत हो जाएगी। आपकी पार्टी हमेशा से यह कहती आई है कि वहां निर्माण होगा तो सिर्फ राम मंदिर के। पुख्ता हैं आप कि संसद के जरिए हस्तक्षेप नहीं करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट मंदिर ही के पक्ष में फैसला देगा? देखिए बिल्कुल पूरी पार्टी आशान्वित है, पूरा देश आशान्वित है, इस देश छोड़िए दुनिया में जितने भी हिंदू लोग रहते हैं वो भी आशान्वित हैं। और जैसा कि राकेश सिन्हा जी ने कहा, एक बड़ा तबका मुसलमानों में भी ये कहता है कि हाँ वहाँ पर एक भव्य राम मंदिर का निर्माण होना ही चाहिए। करीब करीब सुनवाई पूरी हो जाएगी बहुत ही जल्दी, 3 दिन के अंदर अंदर, और उसके बाद फैसला लिखा जाना है। भारतीय जनता पार्टी और हिंदू समाज और सभी लोग ये चाहते हैं कि वहाँ पर एक भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। ठीक है, मैं एक एक कमेंट सबसे ले लूं, उसके बाद मैं इस चर्चा को ओपन करूंगा। हमारे साथ में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्विनी कुमार जी हैं। अश्विनी जी, एक लंबा प्रोसेस 1885 के बाद से अगर देखें, जितने अप्स एंड डाउन्स हुए, इसमें क्या कुछ नहीं हुआ, खून खराबे भी हुए और कानूनी प्रोसेस लंबा चलता रहा। अब ये मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आएगा वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के तर्ज पर नहीं होगा, किसी एक पक्ष में जाएगा? मैं सबसे पहले तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात करूं तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला बहुत ही फैंटास्टिक और पब्लिक स्पिरिट को देखते हुए था। दोनों पक्ष उसमें अपील में आए, अपनी अपनी दलीलें दी। दूसरी बात, मगर ये अब तक का जब्बार भाई, से कोई आजादी के नहीं बाद से जी। आजादी क्योंकि फाइनल कोर्ट वो नहीं थी, एक रेमेडी अवेलेबल थी अपीलेट कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी कोई कोर्ट ऑफ अपील होता तो शायद वो पक्षकार चले जाते उससे असंतुष्ट होकर के, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट में आया फैसला मैटर। अब आजादी के बाद से अब तक का यह सबसे बड़ा लैंड डिस्प्यूट होगा, एक ऐसा लैंड डिस्प्यूट जिसमें बड़े सारे लॉ सेटल होंगे, बड़ी सारी चीजें सेटल होंगी, एडवर्स पोजीशन का लॉ तरीके से डिफाइन किया जाएगा, उसके अलावा करोड़ों लोगों की आस्था के सवाल पर भी एक, यानी कि यह फैसला सुप्रीम फैसला अपने आप में सिर्फ इस विवाद के लिए ही नहीं होगा बल्कि कई सारे दूसरे फैसलों के लिए भी एक नजीर बनेगा जिसमें इससे इंस्पिरेशन लिया जाएगा। मां चेतनानंद सरस्वती जी, उम्मीदें पूरी होती हुई दिख रही हैं, खुशी बढ़ रही होगी? देखिए अश्विनी जी ने एक बात कही कि हाई कोर्ट का फैसला जो है वो फैंटास्टिक फैसला था, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि अगर आप हमसे पूछें तो हम अयोध्या जो पूरा अयोध्या जो परिसर है, वो जो क्षेत्र है, उसको राम जन्मभूमि की तरह पूरी अयोध्या को हम लोग देखते हैं। एक ये ठीक है कि एक पर्टिकुलर जगह का विवाद है और उसी के लिए हम कोर्ट में गए, लेकिन फैक्ट ये है कि हम अयोध्या में नहीं चाहते हैं कि बाबरी के नाम पे कोई मस्जिद दोबारा से निर्माण हो। तो आशा है, पूरी आशा है जिस तरीके से, लेकिन अगर हाईकोर्ट का
फैसला एज इट इज रिन्यू कर दिया जाता है, क्योंकि ये एक प्रोविजन है कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो वो उसी फैसले को एज इट इज आगे कर सकती है, उसी फैसले को बरकरार रख सकती है। तो अगर ऐसा होता है तो सरकारों से हमारी उम्मीदें, हम सरकारों का दरवाजा शायद दोबारा से खटखटाएंगे, क्योंकि हमें फिर सरकार के पास में वो एक आखिरी रास्ता होता है कि उस पर क्या स्टैंड अपना ले। इसमें आखिरी बॉल जो गिरने वाली है वो सरकार के पाले में। विस्तार से चर्चा को मैं आगे ले जाऊंगा, मगर कमेंट है आपका एक मिश्रा जी, इतनी राजनीति इस पर हुई, इस पर सरकारें बनी, इस पर वोट लिए गए, इस पर वोट कटे भी, मगर आपको लगता है कि नवंबर महीने के बाद में, यानी कि नवंबर में माना ऐसा जा रहा है कि फैसला आ जाएगा उनके रिटायरमेंट से पहले चीफ जस्टिस के, इस पर राजनीति खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए? संकेत ऐसा लग रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, जिस हिसाब से कोर्ट एक्टिव है और जिस हिसाब से कोर्ट ने अभी पास्ट में अपने क्रियाएं की हैं, सारे काम किए हैं बिना कोई डील देते हुए, मुझे लगता है अब की बार फैसला आर या पार का होगा। फैसला आर या पार का होगा उसके बाद भी राजनीति खत्म नहीं होगी, एक दूसरी नए तरीके की राजनीति शुरू हो जाएगी। जिस पक्ष के फेवर में जाएगा वो चलिए खुश है, जिसके फेवर में नहीं जाएगा वो कहीं ना कहीं विरोध करते रहेंगे, कुछ पार्टियां ऐसी हैं उनके फेवर में आएगी, तो राजनीति करने का तरीका बदल जाएगा और मुझे लगता है कहीं और गर्म राजनीति ना हो जाए। इसका भी एक उदाहरण है, जैसे कश्मीर से धारा 370 हटी तो क्या राजनीति खत्म हो गई? नहीं खत्म हो गई, एक धड़ा ऐसा है जो उसी के पीछे लगा हुआ है कि ये सही है कि ये गलत है, ऐसे है वैसे है, और कहीं ऐसा ये भी हो सकता है। देखिए है क्या, इंटरनेशनल लेवल पे भी जैसे पाकिस्तान की फटी में टांग अड़ाने की आदत है, उधर भी इधर भी जी ये हो गया वो हो गया, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा ये मैटर सॉल्व जरूर होगा, लेकिन उसके प्रतिक्रिया में एक नई तरीके की राजनीति और शुरू होगी, एक नई नए प्रकार की राजनीति शुरू होगी। मगर शिवम त्यागी जी, इस फैसले के आने के बाद में राजनीति शुरू ना हो, क्या पॉलिटिकल पार्टीज, आपकी पार्टी कुछ ऐसा प्रावधान करेगी या ऐसे कोई स्टेप लेगी? देखिए पार्टी और सरकार की जहां तक बात है स्टेप लेने की, राजनीति करना ना करना दूसरे दलों का काम है। भारतीय जनता पार्टी इस देश में और ये सरकार एकमात्र ऐसी सरकार है जिसने लंबित पड़े हुए मुद्दों को आगे बढ़कर हटाने का काम किया है। अब ये देख लीजिए, जो राजनीति करते हैं वही उन मुद्दों को जिंदा रखते हैं, जो पार्टी उन मुद्दों को खत्म कर रही है। अगर किसी पार्टी ने तीन तलाक को खत्म किया तो वो पार्टी चाहती थी कि उसका निस्तारण हो। उसके बाद 370 हटाने का अगर काम किया, अगर आप आके बोलोगे कि आप सारे जल जाओगे अगर इसको हटाओगे, तो जाहिर बात है तो कहीं ना कहीं उसका जवाब तो सरकार और सरकार के लोग देंगे। इसी तरह से राम मंदिर, मैं कहता हूं इसके बाद राजनीति होगी नहीं होगी वो एक बाद का विषय है, कौन उस पर क्या कहता है। जाहिर बात है जब इसी देश में बैठकर लोग एक उज्बेकिस्तान से आए हुए आक्रांता को अपीज करने की कोशिश करेंगे और उसको अपना भगवान मानेंगे तो राजनीति तो कहीं ना कहीं जरूर होगी, लेकिन पहला एजेंडा ये है कि वहां पर एक भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। आज मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से राजीव धवन ने कहा कि साहब ऐसा लगता है कि जैसे सारे सवाल हम ही से पूछे जा रहे हैं, हिंदू पक्ष से सवाल नहीं पूछे जा रहे। सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने इस बात का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को देखा जाए तो तथ्यात्मक तरीके से हमें उतना वक्त नहीं मिला और भी बहुत सारे तथ्य हमें रखने थे। उन्होंने कहा कि साहब हमें वैसी ही स्थिति में मस्जिद चाहिए जैसे 5 दिसंबर को थी। इन बातों का क्या कोई मतलब है? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी आपसे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, देखिए अगर आप मुस्लिम पक्षकारों की बात करेंगे तो शुरुआत से ही पहले दिन से ही जब इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट कमिटेड हुआ और कहा कि इस बार फैसला डिलीवर करना है जस्टिस साहब के रिटायरमेंट से पहले, उसी दिन से आप अगर देखेंगे तो मुस्लिम पक्षकारों ने किसी ना किसी तरह से इसको डिले करने की कोई भी कोशिश जो है उसको बर्बाद नहीं जाने दिया, हर पल कोशिश की है। पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम 5 दिन सुनेंगे तो पहली बार इस देश के इतिहास में हुआ कि जज कह रहे हैं कि हम आएंगे और वो कहते हैं कि नहीं हम नहीं आ पाएंगे, ये बहुत ज्यादा काम हो जाएगा। लेकर के एक पॉइंट उन्होंने उठाया कि टाइटल सूट को लेकर के कोई ऐसा तथ्य दूसरे पक्ष की तरफ से नहीं आया कि जो सेंट्रल टॉम्ब है उसके नीचे की जमीन वही, मतलब आप टेक्निकली कह रहे हैं आर के धवन इज बिगर देन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इज दैट व्हाट ही ट्राइंग टू टेल यू? नोबडी इज बिगर देन द पॉइंट इज, अगर वो सिर्फ ये कहते हैं कि उनको मौका नहीं, मैं कहता हूं छींटाकंशी उनका करने का अधिकार है, देश में लोकतंत्र है, न्याय व्यवस्था में भी लोकतंत्र है, लेकिन इस देश की सरकार और इस देश की जनता सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और उनके जजेस में विश्वास। मगर अश्वनी जी उन्होंने एक बात कही कि वो जो तथ्य होने चाहिए जिससे ये साबित हो सके कि सेंट्रल टॉम के नीचे की जगह ही वही दरअसल जन्मस्थली है, इस पर कामयाब नहीं रहा दूसरा पक्ष। देखिए राजीव धवन
मुस्लिम पक्षकार के लॉयर हैं। हाँ। राजीव धवन कोर्ट में अंदर कानूनी जानकार की कोशिश करेंगे, हर कानूनी जानकार की नजर से कि उनके इस तर्क में क्या कोई दम है। जब बार जी वही मैं कह रहा हूँ, राजीव धवन हर वो तर्क कोर्ट में देंगे जिस तर्क से उनके जो क्लाइंट को फायदा हो। दो बातों की तरफ यहां पर मैं आना चाहूंगा जो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा क्लियर व्यू है। एक तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट कहती है और जो अनचैलेंज रिपोर्ट है, क्योंकि जो सिविल सूट वहां चल रहा था अलाहाबाद हाई कोर्ट में, उस सिविल सूट में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट जिसमें जो साइंटिस्ट थे, एक्सपर्ट थे, उसमें मुस्लिम एक्सपर्ट्स भी थे, उनकी रिपोर्ट को अलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया तो वो अनचैलेंज्ड है। और लॉ ये कहता है कि अपीलेट स्टेज पर किसी रिपोर्ट को जिसको क्वेश्चन नहीं किया गया है ये वो चैलेंज नहीं हो सकती। बड़ी तकनीकी खामी रही। दूसरा बहुत बड़ी तकनीकी खामी 1949 से इस्माइल फारूकी के केस में साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1949 से 2018 तक या 2019 तक उस विवादित जगह पर कोई नमाज नहीं पढ़ी गई है। और किसी भी जगह को एक्वायर करना सिविल राइट्स के अंतर्गत आता है। सिविल राइट्स में गवर्नमेंट को ये प्रॉपर राइट्स होते हैं कि वो जिस जमीन को जब चाहे तब एक्वायर कर सकती मतलब है। तथ्यों के आधार पर जजेस बेंच की, जब बार जी ये समझना बहुत जरूरी है, पांच जजेस बेंच की वो रिकॉर्ड भी बिल्कुल अनचैलेंज है। अब तीसरी बात आती है मुस्लिम पक्षकारों में जो जो मीनाक्षी अरोरा जी ने कहा, मीनाक्षी अरोरा जी के दो आर्ग्यूमेंट हुए। पहला आर्ग्यूमेंट उन्होंने कहा एएसआई की रिपोर्ट एक एडवाइजरी रिपोर्ट है जो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की जिस तरह की ओपिनियन होती है या डीएनए की जिस तरह की रिपोर्ट होती है वो अनचैलेंज्ड है। लेकिन अब यहां पर एक सवाल ये आता है कि जो टूरिस्ट की बात करते हैं, कि जो ट्रैवलर आए उन्होंने पूजा करते हुए उस पर उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया, भाई ट्रैवलर हिस्ट्री के बारे में कैसे बताएगा। लेकिन आपको यह बात जानना होगा कि जो एक्सपर्ट्स हैं उन एक्सपर्ट्स की ओपिनियन को और उस ओपिनियन के जो गर्भगृह है, गर्भगृह के आसपास के जो प्रमाण मिले हैं, और साथ ही साथ 1939 से जो लगातार प्रेयर होती रही जो सुप्रीम कोर्ट के सामने बड़ा प्रश्न है, उसको किसी ने क्रॉस एग्जामिन नहीं किया, उसको किसी ने चैलेंज नहीं किया। लिहाजा और इसी पॉइंट पर मैं समझने की कोशिश करूंगा कि यह कहा जा रहा है इस तथ्य में कितना दम है कि साहब वहां प्रेयर की इजाजत ली गई, प्रेयर वहां पर शुरू हुआ, मगर उस जगह के उस टाइटल सूट के लिए क्लेम नहीं किया। अब आप यहां आइए, जो ओरिजिनल कोर्ट थी, जो सारे जितने केसेस चल रहे थे, चाहे वो निर्मोही अखाड़ा का केस रहा हो, चाहे श्री राम लला विराजमान का रहा हो, और चाहे मुस्लिम पक्षकारों का रहा हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन करके कहा कि अलाहाबाद हाईकोर्ट एक सिविल सूट की तरह सारे डॉक्यूमेंट्स को सुन करके इस पर डिसीजन देगी। उस कोर्ट ने, उसमें एक ऑनरेबल मुस्लिम जज भी थे और दो हिंदू जज थे, उन्होंने साफ तौर पर एक कंसेंसस बना करके और रिपोर्ट्स को देखते हुए यह जजमेंट दिया कि जो गर्भगृह, क्योंकि विवाद 2.77 एकड़ से भी कम विवाद जगह है, वो जो गर्भगृह है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। तो गर्भगृह पर उन्होंने कहा, जस्टिस सुधीर अग्रवाल ने कहा, जो उसके जज थे, उन्होंने कहा यहां कोई विवाद नहीं है कि यहां श्री राम लला पैदा नहीं हुए। अब सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि आप दूसरी पूरी जमीन दे भी दीजिए तब भी सवाल सिर्फ गर्भगृह का है, और गर्भगृह की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट के आर्गुमेंट के सामने ऐसा लग रहा है कि वो अनचैलेंज, जो तथ्यों पर आधारित है, हिस्टोरिकल मिथ पर आधारित नहीं है, वो तथ्यों पर आधारित है, एविडेंसेस पर आधारित है। ठीक है, मैं इसके तकनीकी और दूसरे पहलुओं पर आपसे चर्चा करूंगा, मगर एके मिश्रा जी, राजनीति जाहिर तौर पर इस पर हुई, खूब हुई, आज भी हुई, कल भी होगी, जैसा कि आप कह रहे हैं। अब ये जो दीप उत्सव की बात कही जा रही है दिवाली के दिन में, हालांकि वहां पर धारा 144 लगा दी गई है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मगर क्या अभी से उस पर ऐसा माना जा रहा है कि एक माहौल तैयार करने की कोशिश है दीप उत्सव के लिए, अगर बात कही जा रही तो क्या उसमें कोई गलती है, गलत है? जाहिर तौर पर दिवाली है और अयोध्या से ज्यादा जगमग करने वाली स्थिति और कौन सी हो सकती है, खासतौर पर जो रामलला दीप उत्सव में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब बार देखिए क्या है कि ये गवर्नमेंट का एक प्रिकॉशन वाला एक्शन है, धारा 144 लगाना, फोर्सेज वगैरह भेजना, ऐसी आशंका, इसके लिए तो मैं अप्रिशिएट करूंगा गवर्नमेंट को कि आपको जब कहीं पे भी आशंका लगे कि कहीं पे भी कुछ हो सकता है, माहौल ऐसा गड़बड़ हो सकता है, तो उसके लिए प्रिकॉशन के लिए कोई चीज करना, लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, शांति बना रहे, सब कुछ शांति के साथ हो, तो वो कोई गलत चीज नहीं है, तो ये कंटिन्यू होना चाहिए जी। और ऐसी स्थिति में माँ चेतनानंद सरस्वती जी, अब जबकि अलग अलग पार्टियों की तरफ से अलग अलग बातें इस पे कही गई और खूब कही गई, मगर मैं शिवसेना की तरफ ले जाना चाहूंगा। लंबे समय से उनके मैनिफेस्टो में बार बार ये कहा जाता रहा, जिक्र अयोध्या विवाद कर रहा, इस बार उनके मैनिफेस्टो में नहीं है। एक हिंदूवादी धर्म संगठन या धर्मगुरु होने के नाते क्या आप कहेंगे कि शिवसेना इस पूरे मामले पर अब नए तरीके की राजनीति कर रही है?
देखिए राजनीति पे सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है, लेकिन मुझे लगता है कि राम मंदिर पर की राजनीति पर अब विराम लगने वाला है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आएगा वो सर्वमान्य होगा और सर्व स्वीकार्य होगा। मगर इस बात को लेकर के मुस्लिम पक्षकार ये कहते हैं कि साहब ये सर्वमान्य नहीं होगा, अगर आएगा फैसला हम तो मान लेंगे हमारे फेवर में आए या हमारे खिलाफ में आए। उनका कहना ये कि अगर ये मस्जिद के पक्ष में आएगा तो क्या हिंदू समाज इसे एक्सेप्ट करेगा? देखिए मैंडेटरी है, सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है वो मैंडेटरी है, और जो उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश करेगा वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाएगा। मैं एक पल के लिए आपको रोकना चाहूंगा, एक सेकंड। दरअसल फोन लाइन पर वीएसपी के प्रवक्ता विनोद बंसल जी हमारे साथ में इस वक्त जुड़े हुए हैं। विनोद बंसल जी स्वागत है आपका ऑनलाइन टीवी पर। मेरा सवाल ये कि अब 3 दिन सिर्फ बचे हुए हैं सवाल जवाब के लिए, उसके बाद फैसला लिखा शुरू हो जाएगा अयोध्या विवाद पर। आप लोग ये पीछे क्यों हट गए इस बार, अपने मैनिफेस्टो में आप लोगों ने अयोध्या का जिक्र तक नहीं किया, राम मंदिर का जिक्र नहीं किया? कौन से मैनिफेस्टो की बात करते हैं सर? विश्व प्रसिद्ध को मैनिफेस्टो जारी नहीं किया। मुझे लगा कि शिवसेना के प्रवक्ता वीएसपी, ये जो दीप उत्सव की बात कही जा रही है, आपको नहीं लगता कि एक तरफ जहां पर धारा 144 सरकार को लगा प्रशासन को लगाना पड़ रहा हो, वहां पर थोड़ी सावधानी और बरती जाए, थोड़ा इंतजार और कर लिया जाए? 1 महीने की तो बात है। ये पूछ संतों की इच्छा है, बेसिकली विष्णु परिषद की कोई ऐसा डिमांड नहीं है। विष्णु परिषद तो पहले से पूजन अर्चन रामलला का वहाँ हो ही रहा है, मंदिर वहाँ था, मंदिर है, मंदिर रहेगा। ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय का 30 सितंबर 2010 का वर्डिक्ट भी है। विनोद जी ये सेंटिमेंट है, देश का सेंटिमेंट है, लोगों का सेंटिमेंट है, मगर मेरा सवाल ये कि इतनी जल्दबाजी क्यों है? नहीं जल्दबाजी क्या, जल्दबाजी किस बात की भाई? जल्दबाजी हमें तो भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर पूजन अर्चन की परमिशन मिलनी ही चाहिए, ये तो है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारी कोई ऐसा विश्व प्रसिद्ध ने कोई ऑफिशियल डिमांड नहीं करी अभी, ये तो हम चिरकाल से पूजा करते चले आ रहे हैं और करते रहेंगे। इस अधिकार को हमारा कोई नहीं छीन सकता, है ना? ये पूंजी संतों ने कहा था कभी दीपावली के मौके पर आप लोग वहां पर जाएंगे दीप उत्सव के लिए? नहीं हम तो बिल्कुल पूजा अर्चना के लिए जाते ही है, हमेशा जाते हैं और हमेशा जाते रहेंगे, प्रतिदिन जाते हैं श्रद्धालु भाई। राम जन्मभूमि पर मंदिर है और वो मंदिर में पूजा अर्चना जारी है। हाँ ये है कि भक्तों को कष्ट बहुत होता है वहां पर पहुंचने में, और वहां पर जो है जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं अनुकूल नहीं होती। भगवान कहा ये जा रहा है कि उस जगह जाने की मांग की जा रही है जहां पर लोग नहीं जाते हैं, दूर से दर्शन होता है, उस पॉइंट पर जाने की बात आप लोग कर रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता? नहीं पूज्य संतों की ऐसी इच्छा थी, देखिए होना चाहिए। आप मुझे बताइए ऐसा कौन सा दुनिया का मंदिर है जहाँ पर के संतों को वहाँ बैठ करके पूजा अर्चना करने के लिए मनाही है? एक सिर्फ राम मंदिर है। नहीं सर आप दूसरी बात कह रहे हैं, दरअसल मैं दूसरे पक्षों की बात आपके सामने रख रहा हूँ सवाल के रूप में। उनका कहना यह है कि जब धारा 144 प्रशासन को लगाना पड़ रहा है, फिर आप उस जगह जाएंगे जहां पर रामलला विराजमान है, वहां पर जाकर के दीप उत्सव की बात करते हैं, तो थोड़ा सा इससे माहौल खराब होने की शंका पैदा होती है, तो थोड़ा सा इंतजार क्यों? नहीं ऐसा हम कहीं नहीं जा रहे, आपकी गलतफहमी है, हम कहीं नहीं जा रहे। हम कोई किसी कानून का उल्लंघन नहीं करते। हिंदू समाज ने 500 सालों से इस कानून के कारण ही इस संघर्ष को झेला है, 700 साल से कानून लड़ाई लड़ रहे हैं हम। नहीं तो बहुसंख्यक समुदाय है, कभी भी कुछ भी कर सकता है, बाकी अगर देशों का इतिहास देखें तो। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम कानून के साथ खड़े हैं। वास्तव में जो पुलिस प्रशासन जिस तरह से आदेश देगा हम उस हिसाब से करेंगे। रामलला विराजमान के जन्म स्थान पर जो है वो मंदिर बनेगा और जल्दी बनेगा। जी विनोद बंसल जी हमारे साथ में हिंदू धर्म गुरु चेतनानंद सरस्वती जी हैं, वो कुछ कहना चाह रही है, सुनिएगा। मैं एक बात और ऐड करना चाहती हूँ। देखिए किसी को भी एतराज नहीं होना चाहिए, वहाँ मंदिर है, मंदिर रहेगा, ये बात आप लोग अपने मुंह से कहते आ रहे हैं। तो संतों को अगर संत वहाँ पर मंदिर में धारा 144 नहीं है ना, धारा 144 बाहर है, ठीक है, सड़कों पे है, किसी और सार्वजनिक स्थल पे, लेकिन मंदिर तो संती हैंडल करते, तो संतों हमारे साथ में मुस्लिम विचारक फजील अहमद साहब भी जुड़ चुके हैं। ठीक है फजील अहमद साहब अभी जुड़े हैं, स्वागत है सर आपका। फजील अहमद साहब इतना हल्ला क्यों मचा रहे हैं? अगर दीपावली का मौका है और अयोध्या में अगर वहां पर जाकर के दीपोत्सव की बात हो रही है तो बुराई क्या नजर आती है आपको? बुराई तो कोई नजर नहीं आती, हमें तो उस टाइम भी बुरा नहीं लगा था जब 6 दिसंबर 1992 को हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी इन लोगों ने तोड़ दिया, तो बुरा नहीं लगा था। तो आप लोग लड़ाई किस बात की? हमें क्या बुरा लगा, सरकार इनकी है, ये लोग अगर कानून नहीं मांग कह दें कि कानून से देश नहीं चलेगा, हमारी मर्जी से चलेगा, तो जब स्टे ऑर्डर होने के बावजूद भी ये तोड़ सकते हैं तो हम तो कंटेम्प्ट ही कर रहे हैं ना। अभी वहां पे स्टे ऑर्डर है
वहां पे किसी को जाने की इजाजत नहीं, किसी पक्ष को जाने की इजाजत नहीं है। तो वहां जा करके 2.77 जो एरिया है उस पर कोर्ट का स्टे है, उस पर कोई भी पक्ष जाकर के कुछ भी कार्रवाई नहीं कर सकता। उसके बाद आप पूरे अयोध्या में दिवाली मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसी बात करते हैं, मेरी बात सुनिए, अभी स्टे है वहां पे, कोई भी पक्ष आप देखिए, अभी इन्होंने दीप उत्सव की बात की तो मुस्लिम पक्ष ने नमाज पढ़ने की डिमांड की, तो इस तरह से विवाद बढ़ता है ना, इसी तरह तो बढ़ता है विवाद। सभी को अपनी अपनी, जिस तरह से आपकी मंदिर में आस्था है, हमारी मस्जिद में आस्था है, दुनिया भर में, ठीक है, मगर इस पर कानूनी पहलू क्या है जी? मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर अश्विनी कुमार दुबे जी, फजील अहमद जी के उस बात पे बिल्कुल तथ्य नहीं है, वहाँ पूजा की जाती है और नमाज नहीं पढ़ी जाती है। और इस बात का पूजा का नहीं, बिल्कुल स्टेटस को किस बात का है फजील? स्टेटस को क्या है? स्टेटस को ये है कि जो 2.77 प्रधानमंत्री विवादित जमीन है, उस जमीन पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक टेक ओवर नहीं किया जाएगा, कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, मंदिर नहीं बनाया जाएगा। लेकिन पूजा करने की इजाजत पहले भी थी, अभी है, और ये तथ्य है कि 1949 से नमाज पढ़ने की बात नहीं है वहाँ। 1949 से अब तक मुस्लिम पक्ष ने नमाज नहीं पढ़ा, ये भी दूसरा तथ्य सुप्रीम कोर्ट के सामने। ये दोनों बातें हैं ना, आपने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है, दोनों बातों अभी डिमांड किया आपने, सुप्रीम कोर्ट ने माना नहीं है। मैं अभी आपको सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी कार्रवाई पढ़े, उस जजमेंट को पढ़ने के बाद बात नहीं कर सकते आप सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रही है कोर्ट के एक फैसले की, और कोर्ट का फैसला ये है 1949 अब तक वहाँ पर प्रेयर ऑफर नहीं हुई है, पूजा की गई है। मगर क्या फजील साहब पूजा पहले भी होती रही है, पूजा अभी भी हो रही है, मगर क्या क्या क्या, क्या फजील साहब आप इस बात को मानते नहीं है कि नमाज वहां नहीं पढ़ी जाती? बिल्कुल। और आप ही के धर्म के हिसाब से ऐसी जगह पर नमाज नहीं हो सकती है जहां पर पूजा पाठ की जाती है, आप ही का धर्म कहता है, आप और विवादी करते हैं और दूसरे की जगह पर, तो फिर ये जबरदस्ती की लड़ाई से क्यों ना माना जाए? और जहां लंबे समय से नमाज नहीं हुई, ये भी तथ्य है, ये भी लॉ है, ये भी सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की आप एक चैनल में नौकरी कर रहे हैं। अरे सर, मेरी बात समझ क्या हो सकती है सर? मेरी मजबूरी आप समझ रहे हैं फजील साहब? आप इस बात से थोपिए मत, एक सेकंड देखिए, किसी को थोपिए मत फजील साहब। नहीं सर, आप थोपिए मत, आई डोंट लाइक, किसी को खुश करने के लिए आप अगर सोच रहे कि हम ये बात अलाउ नहीं करूंगा। अरे पूरा देश जो है, पूरे देश एक सम्मान, एक सेकंड फजील साहब, आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने दीजिए, उसके बाद जो करना है करिए फजील साहब। अरे आप ये कैसे कह सकते हैं फजील साहब? छोड़ दीजिए फजील साहब, छोड़ दीजिए, छोड़ दो भाई। ठीक है। जी हाँ, मैच 3 दिन बाकी है और 3 दिन के बाद में फैसला लिखे जाने की कवायद की शुरुआत हो जाएगी। हमारे साथ में पूरा पैनल मौजूद है इस वक्त, शिवम त्यागी जी, एके मिश्रा जी, यतिमा चेतनानंद सरस्वती जी और अश्विनी कुमार दुबे जी, फजील अहमद साहब हमारे साथ इस वक्त, महंत परमहंस दास जी फोनलाइन के जरिए जुड़ चुके हैं, उनसे एक सवाल लेते हैं। परमहंस दास जी, उम्मीदें अब यकीन में बदल चुकी हैं कि अब फैसला आ जाएगा और ये विवाद पूरे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जरिए नवंबर महीने में खत्म हो जाएगा, या कोई शंका? नहीं, अब बिल्कुल शंका की कोई जगह नहीं बची है। और इस बार जो है ये बहुत ही खुशी का वो है कि इस बार जो है तो चीफ जस्टिस रंजन गोगोई साहब की अध्यक्षता में जो बेंच गठित हुई है, निश्चित रूप से बहुत परिश्रम किया है इन लोगों ने, जितना इनको धन्यवाद दिया जाए, इनका स्वर्ण अक्षरों में इतिहास में नाम जो है तो लिखा जाएगा। और ये जो इतने लंबे काल से जो विवाद चला आ रहा था, जिसमें कई वादी प्रतिवादी मर गए, कई अधिवक्ता मर गए, जी मैं एक सवाल और जानना चाहता हूं, जो है पूर्ण उम्मीद है ये विवाद खत्म हो जाएगा और राम मंदिर के पक्ष में फैसला आएगा। जी, इस पर महज 3 दिन बचे हुए हैं सुनवाई के बीच में, क्या किसी तरह की कोई उम्मीद है कि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट आप लोग करते रहिए मगर सुनवाई अब रुकेगी नहीं, सुनवाई चलती रहेगी, किसी किस्म की कोई उम्मीद बची हुई है? 0% भी या बिल्कुल खत्म है? नहीं, ऐसा है, देखिए कि सर्वोच्च न्यायालय ने जब पैनल का गठन किया था और कई बहुत उनको वक्त दिया गया, लेकिन जब मीडिएशन बिल्कुल पूरी तरह से फेल हुआ, इसके बाद डेट टू डे हियरिंग शुरू हुई। अब जो है जब जजमेंट आने की स्थिति है, फैसला जब सुनाने का वक्त आ रहा है,
उस समय आप कहीं अगर मीडिएशन की जो लोग बात वही कर रहे हैं जो कहीं न कहीं से उनकी एक साजिश है कि किसी तरह से डिले हो जाए और फिर जो है तो चीफ जस्टिस का कार्यकाल समाप्त हो जाए, नई बेंच का गठन हो, एक सवाल जो सबसे पूछा जाता है, दुकान चलती रहे, अब कहीं भी मीडिएशन के लिए गुंजाइश नहीं बची है। परमहंस दास जी, एक सवाल जो सबसे पूछा जाता है कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का सभी पक्षों को मान्य होगा? बिल्कुल मान्य होगा सर, देश की सर्वोच्च अदालत है और देश की सर्वोच्च अदालत जो भी सुनाएगी उसको सब लोग मानेंगे और जो नहीं मानेंगे उनको तो निश्चित रूप से उनको मनवाया जाएगा, वो तो शासन नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एक पक्षकार ये कहता है कि साहब हम तो मानने को तैयार है मगर राम जन्मभूमि के पक्षकार इस फैसले को मानेंगे नहीं। वो कहने वाले जो है वो कहीं न कहीं से वो अपनी कमी दूसरे पर थोपना चाहते हैं। आज तक जितना डिले हुआ है ये केवल बाबरी पक्षकारों के कारण हुआ है, कभी जो है तो कपिल सिब्बल कूद पड़े, कभी जो है तो राजीव धवन को कूद पड़े, कभी बोले कि बीजेपी को लाभ हो जाएगा। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता टांग बाबरी पक्षकारों की ओर चला गया और जो भी देश की सर्वोच्च अदालत जो भी जजमेंट है वो बहुसंख्यक शिवम त्यागी जी है बीजेपी के प्रवक्ता है। शिवम त्यागी जी ये कह रहे परमहंस जी के पक्षकारों को मानना ही होगा चाहे फैसला फेवर में आए या खिलाफ जाए, आपका स्टैंड? देखिए बिल्कुल मानना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट बीजेपी के स्टैंड है मानेगी इस बिल्कुल। आपने देखा नहीं कि प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करके कहा था कि जो बयान बहादुर है वो चुप रहे हैं, भारतीय उसके बाद भी बयान आते रहे, भारतीय न्याय व्यवस्था में विश्वास रखे। देखिए लोकतंत्र है, आप किसी का मुंह पकड़कर उसको रोक नहीं सकते। हमारी आस्था है कि वहां पर भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा लेकिन सरकार उस फैसले को मानेगी, देश उस फैसले को मानेगा जो भी कोर्ट वहां पर निर्णय लेता है, उसी के लिए धारा 144 इम्पोज कर दी है। कोर्ट का काम है डिसीजन देना, इम्प्लीमेंटेशन कराने का समझूंगा लेकिन ठीक है क्योंकि परमहंस दास जी जुड़े हुए हैं। परमहंस जी मेरा एक आखिरी सवाल आपसे यह है कि इस यानी कि नवंबर महीने के बाद में देश का एक बड़ा विवादित लंबा पुराना विवादित हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, आपसी सौहार्द और बेहतर हो जाएगी देश की? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपसी सौहार्द तो आज भी अयोध्या में देखने को मिलता है। हमारे 14 कोस के अंदर में 32 मस्जिदें हैं, कोई विवाद नहीं है। एक मस्जिद हम लोग अभी धर्माचार्यों ने दिया है, उसमें कोई विवाद नहीं। पूरे डिस्ट्रिक्ट में अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में 500 मस्जिदें हैं, कोई विवाद नहीं है। रह गई बात जहां एक विदेशी आक्रांता जो भारत को लूटने के लिए आया, ऐसे आतंकवादी बाबर के नाम से कोई मस्जिद हिंदुस्तान के किसी कोने में बने हुए, आप आक्रांता नहीं बोल सकते। अरे सर आपको क्यों तकलीफ हो रही है? फजील साहब, फजील साहब, इतिहास इस देश का है, आपको 800 साल 200 साल इसने सेवा किया, आप फजील अहमद नहीं, इसलिए आपको तकलीफ हो रही है। अरे जिसको आप हरा नहीं पाए, अलाउद्दीन खिलजी को यहाँ के हिंदू राजा हरा नहीं पाए। अरे सर आप बहस को दूसरी तरफ ले जा रहे, बहस को दूसरी तरफ ले जा रहे, फजील अहमद साहब आक्रांता नहीं बोल सकते। क्या बोले? एक सेकंड, क्या बोले? हम गर्व से कहते हैं इसलिए कि 800 साल से सेवा किया है उनके खानदान के लोगों ने, नौ पीढ़ियां दफन नहीं आते, लूट लूट के लूटने वाली सेवा की है। मुझे लगता है, मुझे लगता है कि हम लोग चर्चा से भटक रहे हैं। अरे उसको सेवा करना था तो अपने देश की सेवा कर, यही देश है उसका, वहाँ सेवा कर, यही देश है, यही देश है बाबर का। उज़्बेकिस्तान में गरीब लोग नहीं थे, सेवा नहीं कर सकता था वहाँ पे, अरे यही देश है, यहाँ क्यों आया? यही दफन है बाबर। नहीं नहीं क्यों, उज़्बेकिस्तान जहाँ पैदा, आप बुला के लाए बाबर, जहाँ पैदा हुआ था वहाँ पे भी वो लुटेरा था, उसके घर वालों ने उसको मार के भगा दिया था, वहां पे भी वो ठीक है। मगर फजील साहब मेरा एक सीधा सा सवाल है आपसे, सेवा करना क्या नहीं है? क्या दूसरे के देश में जाके सेवा कर रहे हैं? जैसा कि के मिश्रा जी ने कहा कि क्या उसे कहें, क्या उसे, क्या बाबर को महामहिम कहें, बाबर को क्या कहें? एक देश से दूसरे देश में जाकर के आक्रमण करके, मिश्रा साहब, फजील साहब सवाल सुनेगा, आक्रमण किसी दूसरे देश पे करके जाकर के वहां पर कब्जा करना या रहना या जो भी कुछ करे, क्या उसे आप सही मानते हैं? उसकी वकालत क्यों आप कर रहे हैं? क्या फजील अहमद है इसलिए? नहीं नहीं, बिल्कुल हम फजील अहमद है, इसमें कोई शक नहीं है। अब सुन लीजिए मेरी बात, वकालत कर रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी? नहीं आप वकालत क्यों कर रहे हो? आप यहाँ भी राजनीति कर रहे हैं। अगर बाबर को आक्रांता ना बोले तो आप अपने जुबान से मानिए कि महामहिम बाबर, आज बोलना चाहिए महामहिम महामहिम बाबर बोलते हैं, अलाउद्दीन खिलजी क्या बोलेंगे आप बताइए ना? उसको आप अलाउद्दीन खिलजी को हराया था बाबर ने, तलवार की नोक पर लाके लाए थे बाबर को,
बाबर को आप ही मिश्रा जी बुला के लाए थे क्योंकि आप अलाउद्दीन खिलजी से नहीं लड़ पा रहे थे। अरे सर फजील अहमद साहब आपने स्क्रीन से फजील अहमद साहब बेतुक की बातें आप क्यों करते हैं? इकबाल साहब धड़कने तेज है या फिर खुशी हो रही है कि चलिए कम से कम नवंबर महीने में हमेशा के लिए विवाद खत्म हो जाएगा? जी तो फिर आप लोग क्यों कह रहे हैं कि अगर वहां दीपावली के मौके पर दीपोत्सव होगा तो हम लोग नमाज पढ़ने जाएंगे? ये विवाद सुलझाने का तरीका है? नहीं नहीं तो ये जो है आपने जो है किसको फोन मिलाया है शायद आपको पता नहीं कि ये जो है हम लोगों के जवान है। आपको आवाज आ रही है इकबाल साहब? आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल आ रही है जी। नहीं नहीं अगर संतों की तरफ से या वीएसपी की तरफ से यह कहा गया कि जाहिर तौर पर दीपावली बड़ा त्यौहार है और उस मौके पर वहां का एक कंसर्न भी है और अगर उस मौके पर दीपोत्सव किया जाता है तो इसको एक अलग अंदाज में लीजिए ना कि त्यौहार है ये जो है धार्मिक त्यौहार है दिवाली का त्यौहार है। अगर प्रशासन से वो मांग करे अगर वो जो है प्रशासन कह रहा है कि दिवाली मनाई जाएगी तो हमें कुछ इतना थोड़ी कहा या अभी तक तो भी मनाई जाती रही ना सर। इकबाल साहब ये ऐसा है कि अंदर परिसर है मठ है मंदिर है घर है तो दिवाली तो मनाई जाती है। उस जगह पर जाकर के अगर दीप उत्सव करने से क्या आपका इस्लाम खतरे में आ जाता है? कहा कि हमारा इस्लाम खतरे में दिवाली मनाने किसने आपसे कहा? ये तो आपके जो है जबरदस्ती वाली आप लोग बात करते नहीं, ये बातें आपकी तरफ जोड़ करके भी कही जा रही है और बहुत सारे मुस्लिम संगठनों की तरफ से बात आ रही है कि साहब अगर दीपोत्सव किया जाएगा तो हम नमाज पढ़ेंगे जाकर के वहाँ पर। ऐसा है कौन क्या कहता है हमसे इससे कोई लेना देना नहीं। इकबाल साहब परमहंस दास जी हमारे साथ भी है। परमहंस दास जी, इकबाल साहब की बातें तो आपको ठीक लग रही होंगी? ऐसा है कि एक बार हमारे साथ हनुमान चालीसा पढ़े थे कि जल्दी से जल्दी राम मंदिर बन जाए क्योंकि वहाँ जितने मंदिर है उसमें हिंदू से ज्यादा मुसलमान जो है तो उनकी जीविका चल रही है। वहाँ हिंदू मुसलमान का बड़ा अच्छा सौहार्द है लेकिन इकबाल जो है कहीं न कहीं से डरे हुए हैं। इनको डर लगता है कि सही बात अगर बोलेंगे तो इनके ऊपर खतरा हो सकता है। जैसे वहाँ एक हाजी महबूब भी पड़ोसी पत्रकार है वहाँ दंगा कराने के लिए तो कहीं न कहीं से ये दबे हुए हैं। बाकी इनकी आंतरिक इच्छा है कि राम मंदिर बने क्योंकि सच्चाई यही है। पहले भी भगवान राम की जन्मभूमि थी आज भी है। इकबाल साहब डर किस बात का है आपको? देखिए ऐसा है हमने तो ये नहीं कहा है कि दिवाली ना मनाया जाए ना हम उसका कोई विरोध करते हैं। अब किसने हमारा नाम आपको बता दिया तो ये है तो हमको ही पता नहीं हम तो अपने घर बैठे हैं। अरे दिवाली तो हमारी सभ्यता ये रही है कि एक दूसरे के त्योहार में जाते हैं आते हैं। आप क्यों नहीं कहते कि हम खुद जाएंगे उस दिन दिवाली के मौके पर इसमें शामिल होंगे दीपोत्सव अगर होगा तो? या हम तो जो है हम तो अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जाता है या जो है राम पैड़ी पे हम खुद वहाँ देख ले जाते हैं। हम कहाँ कह रहे हैं कि हम दिवाली नहीं मनाते हैं और दिवाली में उसका विरोध करते हैं? किसने आपसे कहा कि हम विरोध करते हैं? और परमहंस जी जो है वो हमारे अयोध्या में है उनको शायद जो है ये नहीं पता कि हम जो है दिवाली में खुद जाते हैं मठ मंदिरों में जाते हैं पर जो है प्रसाद खाते हैं हम कहाँ विरोध करते हैं? नहीं नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं इकबाल विरोध नहीं करते हैं लेकिन और कुछ ऐसे लोग हैं जो दुकान कर रहे हैं फंडिंग कर रहे हैं वो इनको दबाए हुए हैं। हम ठेका नहीं लेते प्रमाण जी हम सबका ठेकेदार नहीं है। कौन लोग हैं ये प्रमाण जी? राजनीतिक पार्टियां या संगठन ऐसे जो धार्मिक है या फिर सामाजिक संगठन? देखिए ऐसा है कि आपको मैं बता दूं कि आज भी राष्ट्रवादी मुसलमान इस सच्चाई को स्वीकार कर रहा है कि ये भगवान राम की जन्मभूमि है और जिस तरह से मुसलमानों के लिए काबा है उसी तरह से हिंदुओं के लिए अयोध्या राम जन्मभूमि है। और इस यही बात है कि यही इकबाल भाई साहब होली मिलन में आते हैं दिवाली में आते हैं लेकिन इनको कहीं ना कहीं से डर है कि अगर सही बात मुंह से निकलेगी तो कट्टरपंथी जो के निशाने पर आ जाएंगे इसलिए दबे हुए हैं। और बाकी जो है आपको बता दें कि देश का निर्णय और ये बहुत अच्छा कन्वर्सेशन मुझे लगा कि इकबाल साहब और परमहंस दास जी लगभग अश्विनी जी की एक तरीके से सोचते हुए यहाँ पर देखिए आप दोनों लोगों का बहुत शुक्रिया। इकबाल अंसारी साहब आपका और परमहंस दास जी आप दोनों लोगों ने आरटीवी के माध्यम से देश की जनता तक आपसी सौहार्द वाली एक बात पहुंचाई। मगर
मैं एक मिश्रा जी समझना यह चाहता हूं कि आखिर इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा जो दिक्कतें पैदा की गई किसी एक को या किसी दो को आप सबसे ज्यादा किसे मानते हैं? मैं मिश्रा जी शुरू करें उसके पहले बस 30 सेकंड में बात बोलिए बोलिए। मुस्लिम 90% मुस्लिम पक्षकार आज की तारीख में यह प्लान बना रहे हैं कि हम बड़े सम्मान के साथ इस भूमि को, इस जगह को भगवान राम के पूजा करने वाले लोगों को दे दें। सिर्फ 10% लोग ऐसे बचे हैं। इकबाल अंसारी जी साहब उसी 10% में से हैं। मैं नहीं, उनकी तरफ मैं नहीं इशारा करता हूं। और इकबाल अंसारी जी की भी नियति बहुत साफ हो चुकी है। बिल्कुल, मैं सही बात बताऊं तो अभी की तारीख में जो सौहार्द है, मुस्लिम यहां के सौहार्द चाहते हैं। और एक और बात, इतिहास की तरफ, हमारे देश का इतिहास, हमारे देश है ना, हमारे देश का इतिहास आज तक, इतिहास की बात कर रहा हूं, और वो इतिहास चाहे रोमिला थापुर का आप इतिहास ले लीजिए, चाहे उसके पहले का जो इतिहास हमारे पास मौजूद है उसको ले लीजिए, बाबर को आक्रांता, बचर, मर्डरर, क्रिमिनल यही मानता है। हमारे देश के इतिहास ने बाबर को एक अच्छा व्यक्ति कभी नहीं माना। तो जब बाबर को अच्छा व्यक्ति नहीं माना, तो बाबर के मानने वालों को क्या माना जाएगा? जब को मरवा दिया था इस देश के मुस्लिम ने, इस देश के हमारे मुस्लिम भाइयों बहनों ने कभी भी बाबर को अपना पूर्वज नहीं माना। हम उसको छोड़ नहीं सकते। फजील साहब, 900 साल से किया हमने इस देश। मुझे लगता है कि मुस्लिम समुदाय के बहुत ज्यादा लोग आपके इस स्टैंड के साथ में होंगे नहीं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, साथ में होंगे, ठीक है, मुझे लेकिन गलत को गलत बोलेंगे। कौन हमारे साथ है, कौन नहीं, इससे हमारा मतलब नहीं है। जो सही है हम अपने इतिहास को कलंकित नहीं होने देंगे। हमारा खूबसूरत इतिहास है, 900 साल हमने सेवा की, इस देश की चर्चा करो, सोने की चिड़िया कहा गया है पूरे गुजरात में, पूरे हिंदुस्तान को 70 साल में इसीलिए स्विस बैंक भर दिया भाव सर, आपने 70 साल में हुआ है, आपने लूट से फोर्स से भर दिया स्विस बैंक में, काला धन आप बात करते हो, टैक्स चोरी आप करते हो, कमीशन आप खाते हो, 40% कमीशन खाने लगे सांसद और विधायक आके, ये कोई इतिहास क्या होगा इनका? किसी मुगल का खाता अभी तक बाबर चला आ रहा है, लूट के लेके आ गया है, गले काट काट के घर में कुछ काट काट के इतिहास बनाना है, और उस इतिहास को अपने इतिहास को मुझे लगता है कि ये बहस थोड़ी दूसरी तरफ मुड़ रही है। ये बहस मुझे आप दोनों लोगों की आवाज डाउन करानी पड़ेगी। रुकिए रुकिए रुकिए, चेतनानंद सरस्वती, ठीक है, कोई बात नहीं जब्बार साहब, आपका चैनल है, उठ कर जा सकते हैं। अरे सर, फजील साहब आप बात कैसे कर रहे हैं? फजील साहब आप बात कैसे कर रहे हैं? आपको आश्चर्य लगता है? आपको कौन डरा रहा है? फजील साहब आप बातें कैसे करते हो? बाबर की सरकार की तो उसने मस्जिद बनवा दी है। हम तो गर्व है, आप जलते हो बाबर से, आप जलते हो हम लोग की लोकप्रियता से, इनके इंसाफ से, इसलिए आपने बाबर को बुलाया था, क्योंकि खिलजी से आप नहीं लग पा रहे थे। हमारे लिए मानने के लिए हजारों लोग पड़े हैं। दोनों लोगों को चाहूंगा। शिवम त्यागी जी, ये जो फजील साहब ये जो डर की बात कर रहे हैं, फजील साहब
आज जिसकी सरकार है वो जो चाहेगी वो करे वही फॉर्मूला अप्लाई करो ना। ठीक है सरकार ठीक है साहब, मुझे नहीं लगता कि फजील साहब किस वजह से बाबर से लेकर के खिलजी या दूसरे लोगों की आज उनको वकालत करने की जरूरत पड़ रही है। अरे अपने चाचा को मार रही है, जरूरत पड़ रही है। ये फजील साहब कैसी बातें कर रहे हैं सर, मैं प्लेटफॉर्म पे फजील साहब अपने अपने शो के जरिए आप लोगों को अपनी राजनीति करने का मैं मौका नहीं दे सकता। एक सेकंड बताइए, एक मिश्रा जी यहाँ पे आप खड़े होने लायक नहीं हो मुगलों के सामने, आप क्या बात कर रहे हैं? रुके, ये आप सुनिए, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ, आप उन्हीं मुगलों की बात कर रहे हो, उन्हीं मुगलों की बात कर रहे हो जो सोने की चिड़िया ये जहाँ पे थे, को भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज क्या बना दिया आपने, लूट लूट के मार के आप सारे पैसा भर के चले, सारा काला पैसा निकाल के दे देते हैं आप लोग, जहाँ को पैसा सिंगापुर में वहाँ के लिए जेल में डकैती करते थे, ये चोर और डकैत थे जिनको खाने को नहीं मिलता था, तो ये धनी देशों पे आक्रमण करते थे। मुझे दूसरे लोगों की तरफ भी जाना है। फजील साहब एक छोटा सा मैं रिएक्शन आपसे चाहूंगा, मुगलों का इतिहास पढ़िए सर, एक सेकंड आप दोनों लोगों के लिए मैंने ये बहस नहीं रखी है, मैं आ रहा हूँ, मैं शिवम त्यागी जी आपकी तरफ आ रहा हूँ। फजील साहब का ये डर किस बात को लेकर के, ये डर डर कर करके सर, एक सेकंड होना चाहते हैं आप, उनकी भाषा को नहीं समझ रहे। एक सेकंड, हमारे साथ में अल्पसंख्यक मंत्री, ठीक है, ठीक है फजील साहब कहां पैसा, हमारे साथ में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री एक मिश्रा जी सबकी आवाज बंद कीजिए, सबको स्क्रीन से सबको हटाइए, एक सेकंड बस प्लीज, मोहसिन रजा जी और एक मिश्रा जी प्लीज फॉर गॉड सेक, हमारे साथ में उत्तर प्रदेश सरकार के उत्तर, आप लोगों की आवाज नहीं जा रही है, आप लोग बहस को किस तरफ ले जा रहे हैं, एक सेकंड मुझे लगता है चाइना की बात क्यों नहीं कर रहे, रोज दो किलोमीटर घूस रहा है, चाइना की से तकलीफ नहीं है इनको, घूम रहे हैं, छोटा दुश्मन है पाकिस्तान के साथ, समझ नहीं आ रहा आप दो लोगों के साथ में, मैं कैसा सुनूं किस वक्त, फजील साहब प्लीज फॉर गॉड सेक, अरे चलिए हमारे साथ पाकिस्तान पर हम हमला करते हैं, फजील साहब प्लीज एक मिश्रा जी मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ जाएगा अगर आप लोग ऐसे करें तो बहस के आखिरी हिस्से में, फजील साहब एक मिश्रा जी मुझे ब्रेक ले जाना पड़ जाएगा, क्योंकि हम लोग जिस मुद्दे को लेकर के चर्चा कर रहे थे वो बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो गए, क्योंकि आज देश की पूरी जनता देख रही है आप लोगों को, यहां पर सभी लोग बैठे हैं, सारे पैनलिस्ट बैठे हैं, सबके पास से मुझे जाना है।
मैं एक बहुत संजीदगी के साथ में शिवम त्यागी जी आपसे पूछना चाहता हूं, ये माइनॉरिटी, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, डर, सारी चीजें जो बार बार मुस्लिम समुदाय के अंदर इसको बनाया जाता है, ये वो लोग खुद बनाते हैं, ये क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार जिक्र किया था कि डर के भय के साय में इन्हें रखा गया और उन्होंने इंडिकेशन भी दिया था, क्या उसी डर को अब मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी भुनाना चाहते हैं, भुना रहे, क्या इसको कैसे समझे? मुझे बस आप एक चीज बता दीजिए, कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। एक कम्युनिटी इस देश में, जब ये देश अलग हुआ 1947 में, सिर्फ 10% थी, 10-10.5%, आज वो 24% है। डर इतना ज्यादा है कि 14% बढ़ गए और वो कहते हैं हम डर रहे हैं। इस देश में हिंदू अगर कम्युनल होता, हिंदू अगर अभी बहुत देर लेक्चर, बहुत देर लेक्चर लोगों ने बहुत देर से चल दिया है ना, आपने फजील साहब बहुत देर तक आपने बोल लिया, बहुत देर लेक्चर दिया है, बहुत देर लेक्चर दिया तो चुप रहिए, बहुत देर लेक्चर दिया चुप रहिए, अभी अपनी भाषा को अभी आपने कहा है अभी चुप हो जाइए, हो सकते हैं अरे आप हमारी बोलना पड़ेगा, आपको चुप होना पड़ेगा, आप करा रहे क्योंकि ना यहाँ बाबर का, ना यहाँ बाबर की सत्ता है, ना अकबर की सत्ता है, परिचय दीजिए, लोकतांत्रिक तरीके से बात सुननी पड़ेगी, कानों में दर्द होता है तो कान बंद कर लीजिए, लेकिन सुननी पड़ेगी, भाषा का लोकतंत्र आप हमें सिखाएंगे, भाषा का लोकतंत्र आप हमें सिखाएंगे, आप सिखाएंगे, मैं कहता हूँ ना आपको 15 मिनट से आप लेक्चर दे रहे थे तो किसी ने रोका नहीं आपको, अब आप सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए, सुन लीजिए मिश्रा जी, एक सेकंड, ठीक है ठीक है ठीक है, एक सेकंड, ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिश्रा जी, हिंदू हम लोग इस चर्चा के बाद पहुंच चुके हैं, बहुत थोड़ा सा वक्त मेरे पास में बचा हुआ है, जल्दी से बात अपनी रखिए। मैं इतना कहना चाहता हूं, हिंदू अगर कम्युनल होता तो 1947 में धर्म के आधार पर देशों का बंटवारा हुआ था, कोई रोकने वाला नहीं था, मुसलमानों को जहां जाना चाहिए था चले जाते, कोई नहीं रोक सकता था, सुन लीजिए सुन लीजिए, आप रहने अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं इस चर्चा के बिल्कुल आखिरी हिस्से में हूँ, मेरे पास महज 2 मिनट का वक्त बचा हुआ है, फजील साहब एक सेकंड, फजील साहब एक सेकंड, फजील साहब एक सेकंड, कोई और थे अभी तो आपने कहा, अभी तो आपने कहा कि मोहम्मद गौरी और ये सब थे आपके, तब तो जब हम फिर बीच में गांधी जी के कर रहे हो, आप कैसी बातें कर रहे होते हैं, आपके बात बड़े हास्यास्पद लग रहे हैं, सालों के हिसाब से दादा परदादा कैसे बता रहे हैं आप, कैसे चलेगा, देखिए मैं बाबा अंबेडकर का एहसान नहीं जो सुन रहे हैं, मुझे लगता है मुझे लगता है फुटेज की आपको जरूरत है, लेकिन एक सीधी बात है, इस देश में लोकतांत्रिक तरह से ये देश चलता है, ना ये पाकिस्तान है ना ये सीरिया है, अगर आपको लगता है आपके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं तो एक बार उधर नजर, उधर नजर घुमा लीजिए, आपको पता चलेगा, आप ही ने कहा था, आप ही ने कहा था शुरुआत में गॉड से प्लीज, आप ही ने कहा था सबको स्क्रीन से, अरे आप ही ने कहा था, मैं बहुत प्यार के साथ में आज अपने दर्शकों से, आज 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 मैं R9 टीवी के दर्शकों से बहुत माफी के साथ ये कहना चाहूंगा कि हम लोग जिस तरीके से इस चर्चा को आगे ले जाना चाह रहे थे, मगर यही होता है सेंटिमेंट, और यही होता है अपनी बातों को पुख्तगी के साथ रखने का तरीका, चाहे आप सही हो या ना सही हो, मगर मुझे लगता है कि फजील अहमद साहब को एक बार फिर से सोचने की जरूरत है कि आज वो कह क्या रहे थे। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, शिवम त्यागी जी आपका, एक मिश्रा जी, यतिमा चेतनानंद सरस्वती जी, अश्विनी कुमार दुबे जी, फजील अहमद साहब, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। ये बहस जारी रहेगी, 3 दिन के बाद फैसला लिखने की प्रक्रिया की शुरुआत हो रही है। नमस्कार।